स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज़ है और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हुए वो क्यों हुए और क्या था यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जिसके लिए अब सरकार कह रही है लगभग 5 वर्षों के बाद कि वह इसके लिए नियम को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अधिसूचित करेगी। तो क्या था यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, अभी उसकी तमाम हियरिंग्स बाकी हैं, देखिए उसके क्या फैसले आते हैं वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से भारत में नागरिकता से संबंधित संविधान में जितने प्रावधान हैं और साथ ही साथ इस संशोधन अधिनियम में जो प्रावधान किए गए उसमें क्या गलतियां हैं या फिर किस प्रकार के प्रावधानों को लेकर के देशव्यापी आंदोलन हुए, वह सभी मुद्दे आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। साथ ही साथ नागरिकता से संबंधित कोई भी फैक्ट आज आपका छूटने वाला नहीं है। उम्मीद है आज की यह वीडियो पॉलिटी से भी उतनी ही जुड़ी हुई है जितना कि यह पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने के दौरान जब आप भाग 2 पढ़ते हैं तो उसमें नागरिकता की बात आती है आर्टिकल 5 to 11। तो आज इससे संबंधित जितने भी फैक्ट प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं वो भी क्लियर होने वाला है और साथ ही साथ यह मुद्दा भी। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। चर्चा में क्यों है, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के लिए कहा है कि हमने अब तक जो नियम अधिसूचित नहीं किए थे उसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अधिसूचित कर देंगे। इस कानून को लागू करने के लिए नियम तैयार करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को भी बनाया गया है, ठीक है। इस कानून के माध्यम से नागरिकता हासिल करने वाले लोगों को पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से करनी पड़ेगी। कोई भी आवेदक इस कानून के लिए आवेदन अपने मोबाइल फोन से ही कर सकेगा जो कि एलिजिबल होगा। तो कौन एलिजिबल होगा इसके लिए, तो क्या है बिटवीन द लाइन का प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया, इसको समझ लेते हैं। इसको समझने से पहले हमें ये देखना है कि आखिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 था क्या। इस विधेयक को सबसे पहले 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से, फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। चूंकि ये एक सामान्य बिल था तो इस पे सामान्य बहुमत की आवश्यकता थी, किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं थी। यानी नागरिकता कानून में संशोधन करने के लिए कोई भी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सामान्य बहुमत से यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत सदन में चाहिए, पारित हो जाएगा। फिर जैसे ही राष्ट्रपति 12 दिसंबर 2019 को इस पे साइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है। इसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां के अल्पसंख्यक समुदाय हैं, विशेषकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, यह प्रावधान किया गया। जैसे ही यह कानून पारित हुआ देश भर में इसको लेकर के व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और कोई कानून किसी विशेष धर्म को सम्मिलित नहीं कर रहा है तो उसे धर्मनिरपेक्षता के अवधारणा के खिलाफ मानते हुए लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें मुसलमान को सम्मिलित नहीं किया गया था। और बात सिर्फ इसमें मुसलमान की ही नहीं है बल्कि इसमें और भी लोगों को शामिल नहीं किया गया था जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसलिए भारत जैसे देश जो कि एक पंथ निरपेक्ष देश है उसमें धर्म के आधार पर नागरिकता देने को लेकर के विरोध जताया गया कि धर्म के आधार पर ऐसा कैसे किया जा सकता है, जबकि भारत तो कोई धर्म फॉलो नहीं करता है। भारत का संविधान वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वी द पीपल ऑफ इंडिया ही अपने आप में धर्मनिरपेक्षता का पर्याय है। इसमें केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि नागरिकता पर जो कानून हम बना रहे हैं यह बनाने का अधिकार सिर्फ संसद का है और संसद इस बात के लिए पूरी तरह से अवगत है
कि यह कानून इन पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदायों पर किए जा रहे अत्याचारों के कारण अपना ही देश छोड़कर भारत आए लोगों को संरक्षण प्रदान करना है। जबकि इन तीन देशों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, तो उन पर कैसे उत्पीड़न हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, जो अल्पसंख्यक हैं उन पे उत्पीड़न होगा, इसलिए उनको उनके ही देश में तो खतरा नहीं है, इसलिए हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। और नागरिकता किसको देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है, ये तो केंद्र सरकार के साथ संसद का मामला है या केंद्रीय सूची का विषय है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह कानून नागरिकता देने वाला कानून है, न कि नागरिकता छीनने वाला। ऐसे में किसी भी प्रकार के भ्रम से बचना चाहिए। इस कानून के तहत कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 तक इन देशों से जो भी शरणार्थी आए हैं, उन धर्मों के संबंध रखने वाले, उन धर्मों से वही नागरिकता के प्रावधान के लिए आवेदन दे सकते हैं। अब इस डेट को जरा आप ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 2014 तक, ठीक है? तो आखिर कानून और नियम में क्या फर्क होता है, पहले इसको यहां समझ लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे कि विरोध क्यों किया गया। क्योंकि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि कानून तो 2009 में ही बन गया था, फिर उसके लिए नियम अब बनाए जाने की बात क्यों हो रही है, ये नियम क्या है, तो फिर कानून और नियम में अंतर क्या होता है। तो देखिए, कानून को तो संसद द्वारा पारित कराकर बनाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, प्रस्ताव विधेयक पास हुआ, दूसरे सदन में गया, पास हुआ, राष्ट्रपति ने साइन किया, कानून बन गया। लेकिन उस कानून का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, यह सभी उस कानून के प्रावधान के तहत रहकर ही नियम बना करके किया जाता है। इसलिए कानून के तहत जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, जो क्रिया प्रक्रिया क्रियाकलाप किया जाता है, वो नियम में पारदर्शी तरीके से लिखा जाता है, समझाया जाता है कि इस नियम के आधार पे यह कानून लागू होगा। तो इसी कानून के प्रावधानों के तहत ही नियम बनाकर किया जाता है। इस प्रकार कानून जहां वैधानिक प्रणाली है, तो वहीं नियम क्या है, कार्यपालिका की समझ और शक्तियों के अधीन है, यानी जो मंत्री परिषद है वो कैसे लागू करवाना चाहती है उसको, उसके जो सब डायरेक्शन है वो कैसे दिए जाएंगे, ये तय करना उस कार्यपालिका के हाथ में है। तो फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब तक इसके नियमों को तैयार नहीं किया गया था। तो भैया क्यों नहीं किया गया था, इसे अधिसूचित नहीं किया गया था, तो अब इसको जल्दी से अधिसूचित किया जाएगा, इस बारे में खबर आ रही है। तो इसको अधिसूचित किए जाना, जो अधिसूचित किया जाता है, इसके लिए भी तो कोई नियम कानून होता होगा। लेकिन जरा रुकिए, पहले देखिए कि आखिर कैसे कौन लोग कर सकते हैं इसके लिए आवेदन। देखिए, इस कानून के तहत जो बात कही गई है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, उन धर्मों से संबंधित जिसके बारे में स्टार्टिंग में आपने पढ़ा, इसके लिए उन्हें वह वर्ष आवेदन में बताना होगा जिसमें उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। इसके लिए कोई दस्तावेज रिक्वायर्ड नहीं किया गया है, बस इतना कहा गया है कि हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की शक्ति प्रदान की जाएगी। अगर अभी इसे अधिसूचित नहीं किया जा रहा है 2019 को, तो किसी दूसरे प्रावधान के तहत, तो भैया वो क्या था, वो प्रावधान था आपका 1955 में जो कानून बना था, नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसके तहत कहा गया कि तब तक इनको नागरिकता प्रदान की जाए। तो उसके लिए क्या प्रोविजन किया गया था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। लेकिन आखिर ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बना है, इसको लेकर के क्यों इतना विरोध जताया गया? तो सबसे पहला इस कानून का विरोध जो सबसे प्रबल तरीके से हुआ, वो असम राज्य में देखा गया, और इसके साथ साथ दिल्ली और शाहीन बाग, वहां पर व्यापक आंदोलन चलाए गए वहां की स्थानीय जनता के द्वारा सरकार के इस कानून के खिलाफ।
खूब विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि उनको लगता है कि इस प्रकार के कानून के माध्यम से जो बाहरी देश के लोग होंगे उनको जब नागरिकता प्रदान की जाएगी तो असम में असमी लोग रहते हैं, असम भाषा बोलने वाले, और बांग्लादेश के लोगों को जो वहां आकर बस गए और उन्हें नागरिकता दी गई तो बंगाली भाषा बोलेंगे। तो फिर आसाम के सभ्यता और संस्कृति पर इसका व्यापक प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ उनकी जनसांख्यिकी यानी उनकी जनसंख्या पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कौन होगा जो अपने राज्य में अपने ही लोगों की जनसंख्या घटा करके दूसरों की बढ़ा ले और फिर उनका राजनीति में भी प्रवेश हो जाए, प्रत्येक सरकारी विभागों में भी उनका प्रतिनिधित्व हो जाए। तो इसके लिए व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। इसलिए एक विरोध प्रदर्शन हुआ ये, जिसमें असम के मूल निवासियों की आबादी के विपरीत यदि अन्य लोगों को यहां बसाया गया तो उनकी जो अपनी एथनिसिटी है उसको खतरा हो सकता है, ये असमियों को लगा। इसके साथ ही साथ मैंने कहा था कि आप डेट याद रखिएगा 31 दिसंबर 2014। क्यों कहा था? क्योंकि देखिए असम में एक समझौता हुआ था जो 1985 में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब कराया गया था। इस समझौते के तहत कहा गया था कि 1 जनवरी 1966 के बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग असम में बस गए वो असम में रहने वाले भारतीय नागरिक होंगे और उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। अब जबकि ये जो नवीनतम कानून आया है उसने डेट को कर दिया 31 दिसंबर 2014 तक, जिसके कारण असम के लोगों ने इसे असम समझौते का उल्लंघन भी माना और कहा कि ये हमारे राज्य की जनसांख्यिकी अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी याचिकाएं डाली गई हैं, जिसमें कहा गया है कि ये धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है और इसे खारिज कर देना चाहिए, जिस पर अभी चल रही है केसेस, ये कोई फैसला नहीं आया। इसमें जो याचिकाकर्ता हैं उनका मानना है कि यह कानून केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कुछ धार्मिक समूहों को सम्मिलित करता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सिर्फ बात मुसलमानों की नहीं है, अब देखिए यहां म्यांमार के भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, एक मुस्लिमों का, रोहिंग्या, और चीन के तिब्बती बौद्ध जो चीन चीन के द्वारा सताए जा रहे हैं वो, फिर श्रीलंका के तमिल लोग जो उसके सिंहल प्रदेश कहते हैं वहां पे, ठीक है, जो जाफना में रहते हैं, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ इलाका है, वहां पे इन पर व्यापक अत्याचार किया जाता है। तो ये अगर आते हैं तो इन्हें नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है इस कानून के माध्यम से, जबकि यह लोग भी सर्वाधिक प्रताड़ित लोग हैं जिन पर अपने ही देश में व्यापक अत्याचार किया जा रहा है। इसके साथ ही सिर्फ बात रोहिंग्या और तिब्बती बौद्ध धर्म मानने वालों और तमिलों की नहीं है, श्रीलंका में रहने वाले जिन अहमदिया समुदाय का अक्सर यह सरकार जिक्र करती है वो पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय, जो अन्य मुस्लिम संप्रदायों से अपने आप को थोड़ा डिफरेंट समझते हैं, उन पर भी पाकिस्तान के अन्य मुस्लिम संगठन क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो इनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है? तो फिर आखिर किस प्रकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचित किए जाने से पहले कुछ लोगों को नागरिकता प्रदान की जा चुकी है अब तक? तो केंद्र सरकार की ही गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया है 2021-22 के दौरान 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई है। तो किन राज्यों से संबंधित हैं यह लोग? तो देखिए जी, ये 9 राज्यों में शामिल हैं ये सारे लोग, और इसके लिए वहां के जिला अधिकारियों और उस राज्य के गृह सचिव को इस प्रकार की शक्ति दी गई थी कि वह नागरिकता संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उनको नागरिकता प्रदान करें, जो कि पंजीकरण के माध्यम से होगा और देशीकरण के माध्यम से, यानी पंजीकरण करा के, आवेदन करके आप पंजीकरण कराइए कि हम दूसरे की नागरिकता छोड़ रहे हैं, आपकी नागरिकता चाहते हैं तो आपको दिया जाएगा। जैसे अदनान सामी ने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ी, भारत
की नागरिकता मांगी, उनको दे दिया गया। वह 9 राज्य हैं आपके, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के लिए नियम बनाने में इतनी देरी की जा सकती है, जिसके लिए मैंने कहा था जरा सावधान होकर रुकिए, आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे ही कोई कानून पारित हो जाता है और उसके लिए नियम बनाना हो, तो उसके लिए संसदीय नियमावलियों के अनुसार यह लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर ऐसा कर लेना चाहिए कि अगर कोई कानून बन गया तो कैसे लागू होगी, क्या प्रक्रिया होगी, उसके लिए जो नियम है वो आप 6 महीने में तैयार कर लीजिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया जा पा रहा है किसी भी वजह से, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में जो अधीनस्थ विधान समितियां होती हैं, जो संसद की दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप के अलावा कार्य हमेशा करती रहती हैं, ताकि संसद की कार्यवाही के बाद जो कार्य बच जाता है ये समितियां उसको हल्का कर सकें, उनसे अधिक समय मांगा जा सकता है। और ऐसा ही किया गया इस प्रावधान का प्रयोग करके। केंद्र सरकार 2020 के बाद से लगातार इसमें एक्सटेंशंस लेती चली आ रही थी कि हमें थोड़ी और मोहलत दे दीजिए, अब और ये मोहलत मांगने की प्रथा खत्म करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नियम अधिसूचित कर पूरी तरह से सीएए कानून को लागू करने की बात की जा रही है। तो अब बात आती है कि भारत में नागरिकता से संबंधित संविधान में क्या प्रावधान है, आखिर संविधान क्या कहता है। तो भारत के संविधान में भाग 2 में नागरिकता का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है। और इसमें अनुच्छेद 11 डायरेक्ट बताता है कि नागरिकता पर कानून जो बनाएगा उसका अधिकार होगा केवल संसद को। और इसके साथ ही भारत में कहा गया कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, और यह एकल नागरिकता कहां से सीखी गई है, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, नहीं, ब्रिटेन से। यानी पूरे देश के आप एकल नागरिक होंगे, जबकि अमेरिका में प्रावधान है कि वह राज्य का भी नागरिक होता है और देश का भी। जबकि हमारे वहां, अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं, मैं भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाला भारत का नागरिक हूं। समझ गए? क्योंकि नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, इसलिए संसद ने इस विषय पर सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, और समय समय पर इसमें संशोधन किया जा चुका है अब तक। और वही संशोधन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। लेकिन 1955 के अनुसार 5 शर्तों पर भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है। अगर आप जन्म के आधार पर, यानी आप जन्म लिए हो, एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि 1947 से पहले, ऐसा आप पढ़ लीजिएगा पूरा विस्तार से, यहां मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। वंशानुगत आधार पर, अगर आपके माता पिता दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक रहा हो पहले, या अभी वर्तमान में से कोई एक है माता पिता में से, तो आप आवेदन कर सकते हैं 18 साल के होते ही। फिर पंजीकरण के माध्यम से कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, या फिर प्राकृतिक क्षेत्र या विस्तार के आधार पे, जैसे 99वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को भारत ने दिया, भारत ले लिया, और भारत के कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश में मिला दिया गया। तो अब भारत को उन लोगों को नागरिकता देनी हो जो बांग्लादेश के इनक्लेव में थे, तो उनको क्या करना होगा, भारत को प्राकृतिक क्षेत्र विस्तार के आधार पर नागरिकता दिया जा सकता है। समझ गया? अब बात की प्रिलिम्स में जितने भी फैक्ट आ सकते हैं, अभी तो मैक्सिमम फैक्ट की आपने नॉलेज ले ली, अब यहां पर जो कुछ फैक्ट बढ़ जाते हैं उसका जिक्र मैं यहां करने जा रहा हूं। भारत में कार्य करने वाले, जो एम्बेसीज में कार्य करने वाले आपके विदेशी राजनयिक आते हैं, जैसे अमेरिका में अमेरिका के राजदूत आएंगे अमेरिकी एम्बेसी में, इजराइल के एम्बेसी में, तो उनको और शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। फिर भारतीय संविधान द्वारा भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को हैं, वो है किसी भी धर्म, वंश, मूल जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15, अवसर की समानता 16,
वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 और 29 और 30 में, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के अलावा जो अन्य शैक्षणिक संस्थानों को दिया गया है संरक्षण, ठीक है, संस्कृति को, उसको क्या है 19 और 29 और 30 में जिसका वर्णन है, ये पांच आर्टिकल मौलिक अधिकारों के सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। उसके अलावा आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 और 18, आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यह सभी क्या हैं, भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। याद कर लीजिएगा, मोस्टली आपको याद होना चाहिए 15, 16, 19, 29, 30। फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पे भाग चार में संशोधन करके भाग चार को जोड़ा गया और इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जिसमें आर्टिकल 51A के तहत सब आर्टिकल्स जोड़े गए और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया, जिसमें 42वें के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को, और फिर 86वां संविधान संशोधन करके जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में हुआ था, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा पर आधारित जोड़ा गया। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है जो भाग चार क में सम्मिलित हैं 11, यह सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। फिर उसके बाद भारतीय नागरिक ही केवल क्या होगा, संवैधानिक पदों पर बैठने का अधिकारी होगा, उसे समस्त सिविल और राजनीतिक अधिकार होंगे। लेकिन भारत में जो संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसद, विधायक, ये सभी क्या है, जन्म पर आधारित नागरिकता के आधार पे नहीं होंगे। अगर कोई पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से, प्राकृतिकरण के माध्यम से अगर हमारे देश की नागरिकता लेता है तो वह भी चुनाव लड़ करके संसद का सदस्य बन जाता है। एज एग्जाम्पल सोनिया गांधी, इटली की नागरिकता छोड़ी, भारत की नागरिकता प्राप्त की, रायबरेली से सांसद है संसद में। फिर केवल भारतीय नागरिक ही लोकसभा, राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखता है। फिर सांसद राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। फिर आखिर नागरिकता समाप्त कैसे होगी, इसको भी बता दीजिए सर, क्यों फैक्ट कोई छूटे। तो यदि नागरिकता की समाप्ति की बात आएगी तो नागरिकता अधिनियम 1955 में ही इस बारे में बताया गया है कि एक तो कोई स्वेच्छा से छोड़ दे कि हम अब भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, हम छोड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई दूसरी जगह आवेदन कर देता है दूसरे देश की नागरिकता के लिए तो उसका अपने आप बर्खास्त हो जाता है। फिर तीसरा तरीका है वंचित करने का, और वंचित करने के लिए केंद्र सरकार नियम बनाती है। क्या क्या नियम बनाए हैं उसने, निम्नलिखित आधारों पर नागरिकता केंद्र सरकार वापस ले सकती है। कौन कौन सा आधार है, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यानी जो पांच आधार आपको बताया मैंने उनमें से कोई फर्जी दस्तावेज दिया गया हो और कहा गया हो कि हमको नागरिकता दे दीजिए और मिल गया और बाद में पता चले तो सरकार उसकी नागरिकता रद्द कर देगी। फिर कोई भारतीय संविधान और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करे। फिर उसके बाद नागरिक ने युद्ध के दौरान अगर शत्रु के साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होगा तो उसको भी क्या किया जाएगा, नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। फिर पंजीकरण के माध्यम से अगर कोई नागरिकता प्राप्त कर रहा है और अगले 5 वर्ष के दौरान अगर बीच में उसको 2 वर्ष की सजा किसी दूसरे देश में मिल जाती है तो उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। या फिर अगर कोई भारत का नागरिक हो, जन्म से ही हो, भले पंजीकरण वगैरह से ना हो, यहीं का मूल निवासी हो, लेकिन 7 वर्षों तक उसने भारत को खबर ही नहीं दी कि वो कहां पे है, भारत देश छोड़ करके, तो उसकी नागरिकता भी समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो यह सभी प्रावधान थे। आज इस वीडियो के माध्यम से नागरिकता का कोई पॉइंट छूटा क्या आपसे, मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद लगी होगी। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कैसी लगी आपको ये क्लास। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले रिजल्ट मित्रा का प्लेटफॉर्म, क्योंकि ऐसी वीडियोस
छूट सकती है आपसे। प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।